आप, मैं हूं शफक जाफी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। अपने वादे के मुताबिक, जो कि हमने कहा था कि हम अपने बड़े सिडनी के बड़े फेमस सिंगर, सोशल वर्कर और बड़ी हरदिल अजीज शख्सियत हैं अब्दुल रहीम साहब, उनको लेकर आएंगे। और मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा नजर आ रहा है। अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ हैं और हम इस प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करेंगे दिलीप कुमार जी, जो कि यूसुफ खान जिनका असल नाम है, और बहुत बड़ा सितारा थे वो, सितारा है, क्योंकि ऐसे जो फनकार होते हैं, जो अदाकार होते हैं, जो फनून लतीफा में एक खास अपनी जगह बना के जाते हैं, जो कि लेजेंड होते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं, उस वक्त भी जब वो काम कर रहे थे और उनके बाद भी, उनकी फिल्मों से, उनके डायलॉग से, उनकी अदायगी बड़ी मुनफरिद थी, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी। और अभी भी बहुत सारे लोग जो गमजदा हैं, लेकिन जो स्कूल ऑफ टीचिंग होता है आर्ट के हवाले से या अदाकारी के हवाले से, आज भी उनकी चीजें उधर दिखाई जाती हैं और दिखाई जाएंगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रिब्यूट पेश करें। हमारे दरमियान में से अगर बजाहिर वो चले गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी चीजें मौजूद हैं। और साथ में, क्योंकि इस वक्त हम बड़े शदीद लॉकडाउन का शिकार हैं और बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत, आज मैंने काफी सारे शोज भी किए, कुछ और भी, कुछ रिलीजियस अफेयर्स के हवाले से भी कुछ चीजें थी वादा की हैं, तो मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, उसका एहसास ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आज आवाज का ज्यादा काम ही नहीं करना। आवाज का जो जादू दिखाएंगे वो दिखाएंगे अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा लेट लेट हो रहा होगा मेरे ख्याल में, सबके सब इंटरनेट पर बैठे हुए हैं और क्या करें, तो मेरे ख्याल में इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है आपको आवाज को, लेकिन बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आप बोले जनाब, क्या कैसे मिजाज हैं ये बताएं पहले। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लॉकडाउन है, मेरे ख्याल में सब लोग इंटरनेट पे हैं, इसीलिए ट्रैफिक मेरे ख्याल है काफी ज्यादा इंटरनेट पे, जिसके से डिलेज आ रहे हैं। तो मेरे बेटे को भी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। सब कह रहे अम्मा आज बहुत ज्यादा लाइव शोज कर रही है। क्या करें, मतलब इस लॉकडाउन चाहिए में भाई। भाई क्या बताएं, पहले तो क्या करें, सब परेशान, इधर से उधर घूम रहे हैं, फिर तलाश कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी। हमारे पास तो इस वक्त शायद अच्छी एक्टिविटी है कि हम अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ इंटरटेन भी करने की लोगों को कोशिश करेंगे, लेकिन जनरली लोग क्या करें? अब्दुल रहीम, क्या सोचा है आपने इस लॉकडाउन से? जरा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। असल में बिजी रखने को इतनी चीजें हैं लोगों के पास कि अगर वो खाली इंटरनेट पे बैठ जाए ना तो वही खत्म नहीं होता। आजकल इंटरनेट एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि आप बुक्स वगैरह, जो लोग बुक के शायकीन है, किताबों के शायकीन है, वो लोग किताबों में, और जो लोग इंटरनेट के, वो डेफिनेटली आजकल इंटरनेट से कोई बच नहीं सकता। तो सब लोग ही इंटरनेट पे अपना टाइम लगा रहे हैं। वो डिफरेंटली आप उसको कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अभी जब कल हम PCIA का देख रहे थे, तो उसके अंदर ये हो रहा था कि जी, क्या आप, मतलब जो मर्द हजरात हैं, वो कुछ कुकिंग की स्किल्स भी अपनी इनहांस कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। उसके हाँ अलावा जो नेटफ्लिक्स है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स के, उसके अंदर इतने आजकल सीजन वगैरह आ चुके हैं कि हाँ मतलब वो लोगों के पास असल में बोर होने का टाइम नहीं है। बाहर जाना है, ठीक है, कुदरती चीज है कि अब ये प्रॉब्लम जो आ गई उसकी वजह से घर पे तो बैठना है, अब तो जा भी नहीं सकते ना। अभी तो रिसेंटली ऐसी वो लग चुकी रिस्ट्रिक्शंस कि हाँ अब तो किसी की तरफ एक बंदा भी नहीं जा सकता ना। तो उसकी वजह से जो घर में रहना है, घर की एक्टिविटीज के अंदर ही इन्वॉल्व होना है और बाहर कम से कम जाना है। और बाहर अगर आप चले भी जाएं किसी काम से, तो आपको वाकई पता लगेगा कि लोग यहाँ पे कितना फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की एडवाइस को। लोग हाँ फॉलो कर रहे हैं, और बिकॉज एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू अवॉइड इट ना, कि मतलब इस सिचुएशन से हम जल्द बाहर निकल सकें। तो हाँ मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में बेहतर और बेस्ट ऑप्शन ही ये है कि आप घर रहें और जो जरूरत की चीज़ है उसके लिए बाहर निकलें, और अगर जो कुछ, अगर अगर कुछ ऑनलाइन आ सकता तो ऑनलाइन करें। हाँ तो बस घर है, इट्स योर हाउस एंड इट्स अच्छा, यू। मैं समझती हूँ कि इसको हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम सब ने जो है ना उसका पॉजिटिव पहलू सोचना है। बहुत, मतलब हमारा जो एक बहुत बड़ा बहाना होता था, हमारे पास वक्त ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी कबर्ड्स हैं, ड्रॉजेस हैं, भरी पड़ी हैं, वक्त ही नहीं है। अच्छा, कुछ किताबें थी, कुछ लिखना है, वक्त ही नहीं है। लोगों से, मतलब अपने रिश्तेदारों से बात करनी थी। अच्छा, इसका प्रॉब्लम जरा सुनना का है क्या? वक्त ही नहीं है। तो वक्त ही वक्त है। अब वो वक्त भी आपने इंटरनेट पे सिर्फ ऐसे
मोबाइल पे भी ऐसे ऐसे उंगली घुमा घुमा के देखने के बजाय क्यों ना हम ये चूज करें अपने लिए और एक फेहरिस्त बनाएं कि हमने क्या क्या चीजें देखनी है, चाहे वो आपके फेवरेट ड्रामे थे या मूवीज थे, वो भी देखें। मतलब आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया, अपने अपने दिल को एक इत्मीनान देने के लिए आपने कुछ अचीव किया। या बहुत सारा ऐसा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, कुछ ऐसी तहकीक है जो आप नहीं कर पाए हैं या अपने तौर पर, वो करना शुरू कर दें। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज हैं, वो जो बात हो रही थी कल, तो मर्द हजरात उस रेसिपीज के बहुत सारे तरीके होंगे मुख्तलिफ, मतलब एक चीज बनाने के कई तरीके, वो चीजें करें। कुछ ऐसा करें जिस जो आप अपने टारगेट्स बना के, जिसको अचीव करने के बाद आपको लगे अरे मैंने तो कमाल कर दिया इस लॉकडाउन। ये लॉकडाउन बस थोड़ा है, खत्म होने वाला है, ये सोचे ना, बस खत्म होने वाला है, बस आपने डोज लगवा लेनी है अपनी। नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाए। आज हम सब पैनिक होके रही, हमारा सारा फ्रेंड सर्कल, कल मैंने बल्कि अपने दोस्त अलमास मुनव्वर के साथ प्रोग्राम किया था, हमारे सर्कल में सबसे पहले उसने वैक्सीन लगवाई विद उसके बेटे 18 ईयर्स के। तो हम सब उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है तुम्हें। और आज हम सब लोग परेशान हैं, हमें हमारे एरिया में बुकिंग नहीं मिल रही है। तो आज का सबसे अहम वाह मुकाम, आपने वैक्सीनेशन की बुकिंग डाल देनी है, पूरी दुनिया वैक्सीनेटेड हो जाएगी, फिर हमें आजादी मिलेगी। प्लीज बी पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज मैं ऐड करूं फिर बस आपके हवाले ये प्लेटफॉर्म, कि जो छुप छुप के विजिट कर रहे थे, आपने लिवरपूल में आने वाली उसकी खबर देख ली होगी कि वो टीनेजर सारे बच्चे जो है वो गेम्स खेल रहे थे छुप के, जो पुलिस ने रेट मारा, आपके पैसे भी जाया गए इस दोस्त में कि जहां आपको पैसे बचा के रखने। लेकिन आप देखें कि आपको पता नहीं चल रहा होता अगर आप सेहतमंद हैं, लेकिन अगर आपके अंदर छुपा बैठा हुआ है ये कोरोना वायरस, आपको कुछ नहीं हुआ तो किसी और को जरूर हो जाएगा, और उसके बाद उससे किसी और को हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल चेन को स्टॉप करने के लिए, तोड़ने के लिए, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। जी रहीम, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं यही कह रहा था कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एज की रेंज है वो अभी 40+ है, तो उसके अंदर फिर ये है कि सब जा भी नहीं पा रहे हैं। 40 से नीचे भी एज को अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अलाउ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी दोस्त के 18 ईयर्स के बेटे को लगा, वो अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उसको यूनि जाना था, जॉब पे जॉब शुरू की है टीनेज ने, एजर्स ने, तो इसलिए वो अब आप लगवा सकते हैं फाइजर की लगा सकते नहीं तो इतनी हैं। वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं क्या मार्केट में? हमारे पास हैं इतनी? नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टॉक आना है शायद अगस्त में, तो कुछ जगहों पे जो है ना उन्होंने अवेलेबल नहीं कहा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, डाल देते हैं वेटिंग लिस्ट में अपना नाम, तो फिर आपका नाम आ जाएगा। यानी आप ये आप इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी तब डालेंगे, ये गलत है। आपने अपने अपने एरियाज में, और उसको बार बार आपने सर्च करना है, इस वक्त बैठे बैठे आपने बार बार ये काम जरूर करना है। प्लीज डोंट बी पैनिक, आप पैनिक ना हो, लेकिन जो चीजें लाजिम है उनको जरूर करना है। अब अच्छा अब्दुल रहीम, अब चलो आगे आप बढ़ते अभी हैं। अप्लाई कर रहे हैं तो कितने देर में आ रही है आपको, कितनी देर में डेट आ रही है अभी वैक्सीनेशन मेरे की? एक फ्रेंड को और क्या क्या हॉट सितंबर, का क्या क्या स्पॉट्स हैं ये करवाने के, ये भी प्लीज अगर आपको अच्छा पता है तो गाइड कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपनी टीम से जो भी देख रहा है उनसे कहूंगी कि इसको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दे। आप उसमें वो जो न्यू साउथ वेल्स सर्विस की उसमें जाएंगे ऐप पे, तो वहां पे खुद ब खुद ऑप्शन आएगा। मेरे ख्याल में वेस्ट मीट और ब्लैक टाउन में रजिस्ट्रेशन हो रही है, हम क्योंकि पैनरिथ में रहते हैं तो नीपेन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन जो सिडनी है, ओलंपिक में भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ओलंपिक में भी हो रही है रजिस्ट्रेशन, वहां पे हो रही है, तो आप उसके हिसाब से एरिया क्या क्लोज जो एरिया इसमें आएंगे। लेकिन बाद में सुना है कि जीपी जो आपके जीपी हैं उनसे बात करें, वो लोग कह रहे थे, जो मेरा जीपी डॉक्टर जिया हुसैन, उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइजर आज जब आ जाएगी तो फिर आपको हमारी तरफ रेफर कर दिया जाएगा। देखें कब तक होता है, लेकिन ये सिंसियरिटी गवर्नमेंट की ये है कि उन्होंने बता दिया कि भाई अगर आपको फाइजर लगवानी है तो ठीक है, आपके पास अभी चॉइस उन्होंने दी हुई है कि आप चूज करें कि उसमें से कौन सी लगानी है, लेकिन आपके पास एक अच्छी बात ये भी है ना कि अगर ये वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सकती है उतना आसान होगा हमारे लिए ओवरसीज ट्रेवल करना भी, ठीक है, हाँ और ओवरसीज ट्रेवल खोलना भी, कि जो बैन लगा हुआ है ओवरसीज ट्रेवलर्स के ऊपर, बहुत से टेम्परेरी स्टूडेंट्स हैं या टेम्परेरी वीजाज पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में फंसे हैं, दे कांट ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, इवन सिटीजन को भी प्रॉब्लम है।
तो अगर ये हाँ वैक्सीनेशन हम जल्द से जल्द टारगेट अचीव करते हैं तो हमारे बॉर्डर्स खुलेंगे। सेकेंडली ये कि अभी बड़ी आपको हैवी फीस है नहीं पड़ती, मैं भी आया हूँ तो मुझे 4,000 देना पड़ा है दो बंदों का, तो हाँ ये इससे जान छूटेगी। फिर होम क्वारंटीन अभी रिसेंटली ट्रायल करने लगे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक, तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है वैक्सीन के साथ, मतलब फुल वैक्सीनेशन वालों को होम क्वारंटीन, अगर वो हाँ सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो उसको बाकी स्टेट्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि एक और स्टेप है टूवर्ड्स ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। हाँ लेकिन उसके लिए आपको मतलब वैक्सीन आपने लगवा ली हो ना, मतलब कहीं ना कहीं कोर्स उन लोगों की वैक्सीन, डबल तरफ से। वैक्सीनेशन, यस। जो आपने लॉकडाउन खोलने की बात की उसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं, यानी जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे, जो सिटीजन हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, या जो टेम्पररी वीजा वाले हैं, या फिर वो जो जो एज अ स्टूडेंट एडमिशन ले चुके थे ज्यादा तो फीसें नहीं दे सकते। अच्छा मैं यहाँ बताऊं आपको कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे फूड इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट्स होटल्स जो इंडस्ट्रीज है, वो उनके पास वर्कर्स नहीं है काम करने के लिए, उनको इतनी शॉर्टेज ऐसे पड़ ही रही है, तो बहुत सारे कारोबार जो है वो बंद हो रहे हैं। इन सब चीजों की जो वो पूरी एक चेन बनी हुई है उसका कनेक्शन जाके आपकी वैक्सीनेशन से जाके मिल रहा है, प्लस आपने जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, आपने घर में रहना है, और बहुत सारी चीजें ऑफ जो कोर्स, आप करते ऑफ कोर्स, हैं, आप चाहते हैं कि पहचान आपका कोई साथ दे तो हम हाजिर हैं। इस वक्त दो सोशल वर्कर भी यहाँ बैठे हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी सिलसिला शुरू किया कि वो लोग जो कि स्पेशली जो हमारे ओल्ड एज के हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो जो ग्रॉसरी नहीं ले सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, तो हमारे वॉलंटियर्स उसी एरिया के हैं, ये नहीं कि एक एरिया से उठकर दूसरे एरिया में जाएंगे, उसी एरिया के हैं, उन्होंने अपने नाम और नंबर देना शुरू कर दिए, और हम अगर किसी को कोई फैसिलिटी चाहिए और कोई भी परेशानी है, चाहे कुक फूड, या आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हम उस पर बात करेंगे। और अब्दुल रहीम ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन थैंक गॉड कि अभी बहुत ज्यादा सूरत हाल नहीं बिगड़ी है लोगों लोगों की, उन्होंने अपने आप को, यानी जब अचानक आया था 2 साल पहले तो उस वक्त परेशानी थी, अब लोग अवेयर हो गए, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लिया है, फिर भी कोई जरूरत होगी तो हम लोग बात करेंगे। अच्छा अब्दुल रहीम, अब आप हमें सबसे पहले क्या सुना रहे हैं, उसके बाद फिर हम चाहते हैं दिलीप जी के बारे में भी कुछ बात हो। मैं इनका एक आपको पोएम सुनाता हूँ, नज़म है एक इनकी, दिलीप दिलीप कुमार ने, के ऊपर पिक्चराइज हुई और मेरे फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको गाया, और हाँ बहुत ही खूबसूरत नज़म है ये, और ये वैसे तो अल्लामा इकबाल की नज़म है लेकिन मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा इन्होंने लिरिक्स के अंदर चेंज किया है, और अच्छा लेकिन हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है तो यूल फील द पोइट्री एक्चुअली, क्योंकि पोइट्री बहुत अच्छी है, आप तो क्या मैं फिर निकाल के ज़्यादा लाए, लिरिक्स नहीं डाल रहा हूँ। जबरदस्त चीज निकाल के लाए, वो इंडिया पाकिस्तान का इम्तिजाज बन गया, मजे का मिक्स है। कोई अपनी फरमाइश, कोई कमेंट्स देना चाहे तो यहाँ लिख सकते, जितना पूरी कर सके हम। जी जनाब, ओवर टू यू। नहीं वो लास्ट टाइम पता है क्या था, लास्ट टाइम ये था ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको शेयर करते, तो आज तो शेयर भी किया हुआ है, तो हाँ माशाल्लाह, डेफिनेटली मेरे को मेरे भी जो छोटा सा सर्कल है फैंस का उसमें से भी लोग होंगे इधर, और हाँ दे ऑलरेडी नो कि मैं क्या गाने वाला, मतलब मेरे ऐसे ऐसे फैंस हैं जिनको पता होता है कि अगर मैं लाइव आ रहा हूँ और मैं किस मौके पे आ रहा हूँ तो मैं क्या गा रहा हूँ, और इवन के वाह वो पहले भी मुझे वो बता देते हैं ना, वो गाइड कर देते हैं कि हम मतलब फरमाइश पहले डाल देते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं। भारत मैं उनकी लिरिक्स वगैरह लिरिक्स निकालना चाह रहा था, लिरिक्स मेरे सामने, मैं स्टार्ट करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग, न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, वाह जी वाह, बहुत मशहूर है। न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, पलट के सूवे चमन देखने से क्या होगा, हो
पलट के सोवे चमन, देखने से क्या होगा, वो शाख ही ना रही जो थी आशियां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश ना कर, हो गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये शह बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू जमीन के लिए है, न आसमां के लिए। जबरदस्त। मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया था क्योंकि मैं भी खाऊंगा ना, गाने लगती हूँ साथ में। आपके पास मतलब देखने वाले देख रहे हैं कि कितना कितने प्यारे सुर हैं अब्दुल रहीम के। और जो एक अहम बात जो आप सब नोट कर रहे होंगे, विदाउट एनी म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट रहीम को कितना कंट्रोल है और उतार चढ़ाव। अच्छा मैं फिर वही सवाल करूं जो लास्ट शो में किया था, आप जिसका गाना गा रहे होते आप उसी की तरह गा रहे होते, ये वाकई कमाल है। मैं दोबारा आपको इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगी। बहुत शुक्रिया। नहीं वाकई काफी रियाजत वाला काम है। हालांकि अभी तो मैं मतलब बहुत से महीने हो चुके हैं कि मैं रियाज नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो भी चलते फिरते गाता हूँ वही गाता हूँ, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन फिर भी जब आप एक बहुत अरसे से एक चीज को कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो ढल जाती है। तो मैं तो मतलब मोहम्मद रफी साहब, इट्स बीन व्हाट 17 years नाउ कि मैं उनको गा रहा हूँ, 17 18 years टू बी स्पेसिफिक। तो 18 साल से आप अगर किसी को कर रहे हैं, मतलब उनको गा रहे हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन है, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो 18 साल के अंदर भी आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते, क्योंकि जब भी आप कुछ नया सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो ये लर्निंग का ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये लेकिन ये जरूर है कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप रियाजत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आप जैसे हमारे नए गाने वाले काफी सारे सिंगर्स हैं, मुझे एक दो के मैसेज भी आया था कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, जो यूथ के बच्चे शौकिया गाते हैं। रियाजत का मतलब क्या है, रियाजत कैसे करते हैं, जो पहले करते थे वो क्या करते थे, कैसे कितने घंटे, कुछ खास वक्त होता है? जैसे मुझे राहत फतेह का था कि वो सुबह सवेरे उठकर करते हैं ताकि वो रगें सख्त होती हैं उस पर जोर लगा के गाना, उससे मतलब इस तरह बहुत सारी चीजें। आपकी रियाजत कैसी होती थी? असल जो रियाजत होती थी वो तो खैर उससे तो मैं शायद 1000 दर्जे दूर होऊंगा, क्योंकि वो प्योर क्लासिकल है। आई डोंट नो क्लासिकल, मुझे अलिफ बे भी नहीं आती क्लासिकल की। तो जो क्लासिकल होती है उसके असल रियाज उनका है। वो रियाज जो होता है वो वाकई 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, और ये वो ये सारी प्रैक्टिस ये होती है राग्स के साथ। और वो राग्स जिनको समझ नहीं आती उनके लिए बहुत बोरिंग है, ठीक है, वो जरा एक बोरिंग प्रैक्टिस है। लेकिन वो हर राग की प्रैक्टिस ऐसी है कि वो आपके गले को खोलती जाती है, खोलती जाती है। अब इवन के अगर अगर मुझे गाना है ना, और मैं इसे आधा घंटा पहले थोड़ी सी घर के अंदर एक्सरसाइज कर लूँ, पुशअप्स कर लूँ, सिट्स अप कर लूँ, घूम फिर लूँ थोड़ा सा, अपने आप को बॉडी को वार्म कर लूँ, तो मेरे मेरे सुर के अंदर बेहतरी आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग से पहले मैं अगर मेरी मैं कभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं अपने पेज पे जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, उससे पहले कभी कभी मतलब अब आप इतना एहतमाम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है अपनी रूटीन की वजह से, वरना मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी उससे पहले एक्सरसाइज कर लूँ, ताकि मेरे जो मसल्स है ना वो ईजी हो जाए मेरे लिए।
मुंबई गाने के लिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, तो वो जो बैठ तो आराम कर रहे होते हैं या कहते हैं बस खाना खा के आराम करें, हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है, वो गलत है फिर इसका मतलब है। अगर तो वो गा सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, खाना खाने के बाद या बिल्कुल बैठे रहने के बाद। लेकिन जो मशवरा है वो यही है कि थोड़े से एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि आप जब गाएं तो आप अच्छा गा सके, क्योंकि आपने लाइव गाना है, लाइव गाने की ये रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि आपकी आवाज उसके अंदर देर इज नो चांस ऑफ एरर। आप जो गा रहे हैं उसके अंदर आपकी आवाज होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी या इतना आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आपकी आवाज अच्छी प्रेजेंट हो सके। गाने वाले तो बहुत ज्यादा खपती होते हैं इस बारे में कि अगर हम लाइव गा रहे हैं तो हमारी आवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रिकॉर्डिंग में तो मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग में तो हो जाती है, बंदा प्रैक्टिस कर एनहांस भी लो, कर लेता है, ऑटो हाँ ट्यून भी कर लेता है, सब चीजें हो टेक्स जाएगी। हो, उसमें भी टेक्स हो जाते हैं, यानी वार्म अप करना, बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। मैं जो अपना रियाज सॉरी वो बीच में मिस हो गया, मैं जो अपना रियाज करता था ना, हाँ मैं जो अपना रियाज करता था, मेरा रियाज ये नहीं होता था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है क्लासिक का, तो मैं मतलब मैंने नहीं सीखा, और ये मेरा रिग्रेट है। मेरा मशवरा सबको ये है कि जो भी आने वाले हैं वो सीखे जरूर। लेकिन मैं जो करता था, मैं अपने अपनी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई होती थी जिसके अंदर मैं पहले निचले सुर की गजलें, मतलब जगजीत साहब की गजल ले ली, ठीक है, वो जरा निचले सुर में गाने वाले थे, उन्होंने आवाज कभी उठाई नहीं है जिंदगी के अंदर, तो उनकी आवाज, उनकी मध्यम आवाज के साथ ऐसी ऐसी खूबसूरत गजलें, तो मैं वहां से मतलब जो आसान आसान गजलें वहां से स्टार्ट लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हाई पिच की, हाई जो जिनके ऊपर हाई नोट्स लगने हैं, मोहम्मद रफी साहब के गाने सारे बहुत ऊंचे नोट्स के गाने हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो स्टेप्स लेके, तो फिर एक 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 आधा कोई गाना होता है जिसके जिसके लिए मुझे पूरा सुर टच करना पड़ता है वो उसके लिए, लेकिन उस गाने पे पहुंचने के लिए मुझे जो है ना 1 से 2 घंटे दरकार है। 1 से 2 घंटे का मतलब है कि 1 से 2 घंटे मैं गा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं उसको गा सकूँ। लेकिन अब रियाज ना होने की वजह से काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो इम्पेक्ट हो गई है। मैं आई रियली विश कि मेरे पास इतना टाइम होता अपने रूटीन के अंदर कि मैं इसको प्रॉपरली टाइम दे पाता, लेकिन फिर भी जो है चलते फिरते जितना भी हो सकता है मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ट्यून में रखूँ। नहीं, माशाल्लाह, मतलब ये आपका बड़ा कमाल है कि मतलब इतनी बिजी लाइफ में और करके आप निकाल रहे हैं, उतने शौक से गा रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी एक और बात करनी है एक गाने के बाद। तस्बीह जहरा, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस रहीम। अच्छा, तस्बीह जहरा आपके लिए लिख रही है कि आपकी बहुत प्यारी वॉइस है, तो एक थोड़ी सी थैंक यू। झलक और बता दें। दिलीप कुमार जी का बहुत बड़ा नाम है और उनकी एक्टिंग, उनकी अदायगी, और मोहम्मद रफी साहब का गाना, ऐसा लगता था कि वो मतलब दिलीप कुमार साहब खुद गा रहे हो, है ना। बास गाने तो ऐसे लगते थे, मतलब बास लोगों की आवाज कितनी मैच कर जाती है शख्सियत के साथ। कोई और गाना ऐसा है जो आपका पसंदीदा मोहम्मद रफी साहब का, और जो पिक्चराइज दिलीप कुमार जी पे किया गया हो तो वो गा सकें आप हमारे लिए? उनका एक है, मैं 1 मिनट उसके लिरिक्स निकाल लूं क्योंकि मैं भूल ना नहीं, जाऊं जब आप आप लिरिक्स से ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम कुछ फरमाइशों का सिलसिला भी करेंगे और हम एक वादा और भी लेंगे अब्दुल रहीम से। एक शख्सियत का जिन्होंने जिक्र किया ना, वो मेरी फेवरेट थी, जगजीत जी। मैंने बहुत सुनी है उनकी गजलें, और हम एक प्रोग्राम जो है ना, इन्होंने दूसरे प्रोग्राम का मुझे टॉपिक दे दिया, जगजीत जी की गजलें भी आपने गानी है किसी और प्रोग्राम में, हम अलग से करेंगे। आज तो मोहम्मद रफी साहब, दिलीप कुमार के नाम आज का प्रोग्राम। जनाब, निकाल ली लिरिक्स आपने। ठीक है। जी एक गीत है मेरा बहुत फेवरेट, लेकिन इसके लिए जो जितनी मुझे प्रैक्टिस चाहिए उतनी मेरी है तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गाने की, क्योंकि हाई नोट्स का गाना है। बहरहाल बिल्कुल। ये मैं आपको सुनाता हूँ, आज पूरा नहीं रहा से कोई अरे मुझे आवाज बहुत, नहीं। हाँ, बड़ा मशहूर है, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा। जनाब, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे,
गम का सी सकता साज ना दे, बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, ना वो दिल ना सनम ना वो दीन धर्म, अब दूर हो सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं, अब शाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, यार कमाल है भाई, मजेदार। आपको हो कितना अच्छा, बिल्कुल मतलब वो पुराने जमाने का वो आ जाता है तसव्वुर में, जो उस तरह वो होता था, मतलब जो ओरिजिनल उनके सॉन्ग में था। तो यार ये बड़ा कमाल है वाकई, आपने बड़ा मतलब बड़ी रियाजत है, या बहुत गौर से उस गानों को सुनते हैं, उसके उतार चढ़ाव को, मतलब आपकी आवाज अगर ऐसे हो कोई वीडियो ना देखे तो लगेगा कि वो पुराने जमाने का सिंगर गा रहा है। बड़ा ये बड़ा कमाल है भैया, अब नहीं आपके नहीं पास। वो आप अगर ये अगर इस गाने की वीडियो देखें ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मतलब ये है तो वैसे डिटो ही, मतलब जारी बात है, इतना सुन सुन के फिर इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसकी सारे नोट्स पकड़ लेते, तो हाँ कोशिश है कि गाएं, लेकिन उन जैसा ओरिजिनल तो नहीं गा सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में अब जो जितने वो 60+ लोग या 50+ लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को, ये देख रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि हमने अपने बचपन में गाने चलते हुए सुने हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बड़े शौक से सुना करते थे, और दिलीप कुमार तो सबके बड़े फेवरेट हुआ करते थे ना, वो तो बड़ा एक वो चार्मिंग बिल्कुल पर्सनैलिटी, कोई का फेवरेट। आज ही मेरे ख्याल में पूछे बहुत सारे लोगों से, तो उनके फेवरेट हीरोज में दिलीप कुमार जो है, उनका नाम जो है सर फहरिस्त होगा, तो वो लोग बड़े खुश होंगे आज सुन रहे हैं। अच्छा, आपने दिलीप कुमार साहब की मेरे सब फिल्में दोस्तों देखी? के पेरेंट्स जो हैं वो मेरे फैंस हैं, मेरे दोस्त होना हो उनके पेरेंट्स सब मेरे फैंस हैं। इसलिए कि आप उनके हीरोज जो उनके जमाने के हीरोज थे, उनके गाने गाते हैं। अच्छा, जब होता है, जब आप गाने सुन रहे होते ना उस जमाने के, तो फिर आपको वो वक्त याद आने लगता है, किसके साथ बैठकर मूवी देख रहे थे, क्या वक्त था, क्या किया था, क्या मतलब वो सारी पुरानी यादें जो है ना, फिल्म की तरह आपके जहन में चलने लगती हैं। अच्छा, लोगों को अपनी यादों से भी बहुत प्यार होता है, ऑफ कितना कोर्स मजा आता है तो अपनी पुरानी बातें करने, आप अपने बहन भाइयों से या माँ बाप से बचपन की बातें करने बैठ जाए, या आपको कोई ऐसा दोस्त मिले या कोई ऐसा रिलेटिव या जानने वाला जो आपके बचपन की बातों को जानता है, आपके मोहल्ले की कोई वक्त बात करे, गुजराओ जिसके साथ। अरे कितना मजा आता है कोई बात करे। अभी मेरी एक दोस्त गई हुई है, और वो पाकिस्तान में जो है वो, जहाँ बताया हम शहर कायद से, कराची शहर से, तो वहां की खानों की वीडियोस डाल रही है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है, मैं बार बार देख रही हूँ वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहां। अच्छा, फिर वो एक तड़प उठ रही है ना, हे मेरी हम भी आवाज आ जाए। रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, खुशबू से आने अच्छा लगती है उन खानों की। तो अब ये थे कि सारी चीजें जब भी मुमकिन है, जब हम वैक्सीन लगवा लें, फिर मैं दोबारा जरा याद दिला दूं आपको। कोर्स और आने, ये हमें हमें वक्तन फवक्तन याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जरूरी है। वक्त
हाँ ये बातें जरूरी है याद दिलाना। अच्छा मैं फिर से पूछूँ कि आपने देखी है दिलीप कुमार जी की फिल्में, देखी हैं आपने? मैंने अभी रिसेंटली जो उनकी देखी है वो मधुमती देखी है, और मैंने प्लेन में देखी है। अच्छा मधुमती, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा। खूबसूरत मूवी। नहीं अच्छा चलो जी अभी वो मैं है आज इतनी पुरानी, आपको एक दफा दोबारा से देखनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मूवी, आपको पसंद आएगी। अच्छा तो आपकी और कौन सी फेवरेट मूवीज हैं दिलीप कुमार जी की आपको पसंद है? इस हवाले से भी कि आपने उनके गाने बार बार सुने उन फिल्मों के, वो कौन सी हैं? नहीं असल में मैंने जब गाने सुने ना, तो मैंने इतने गौर से गाने सुने कि मैंने उनकी वीडियोस भी नहीं देखी। मैंने ऐसे गाने सुने, मतलब मूवीज के अंदर नहीं सुने, मैंने गाने सिर्फ होते देखो गाने सुने, तो वो मुझे उस तरह से पूरे अजबार पूरे याद, और वो उनकी जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है किसी गाने को गाने के लिए। आपके हाँ सामने जो गाना मैं रिकॉर्ड करके अगर अपलोड करता हूँ अपने पेज के ऊपर, तो उसके पीछे 20 से 25 टेक्स होती हैं कभी कभी आपको, क्योंकि सबसे बड़ा सब बता रहे, जैसे जो आर्टिस्ट होता है वो सबसे बड़ा अपना अपना क्रिटिक होता है, क्योंकि पता था यार यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे मैंने ठीक करना, यहाँ पे मैंने ठीक करना, तो बहुत गलतियां होती हैं, करते करते पॉलिश करते 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 इतनी टेक्स देनी पड़ जाती हैं, कई दफा बहुत कम होता है कि पहली टेक के अंदर जो है ना, और वो भी सिंगल गो के अंदर आपने रिकॉर्ड करना है, आपने ये ब्रेक करके उसकी एडिटिंग भी नहीं करनी, तो वो एक बड़ा उसका प्रोसेस का काम होता है। उस सारे प्रोसेस के दरमियान मैं मूवीज नहीं देख रहा, मैंने मूवीज बाद में देखी, मैंने गाने गाने देख के, ये देख के कि वो किस मूवी के अंदर है, फिर मैंने मूवीज देखी, तो वो इस तरह से मैंने जो थी अपने फेवरेट गाने जिस मूवी के अंदर है वो मूवी देखी, फिर उसके अंदर वो गाना देखा। तो हाँ दिलीप कुमार साहब की बहुत सी मूवीज हैं, मधुमती जैसे लेटेस्ट मुझे याद है, और एक जो है वो अभी मैं कौन सी देख रहा था, सॉरी मुझे सर्च करना पड़ेगा उसको, लेकिन वो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि हमने सब ने वो मूवीज देखी हुई है, लेकिन वो क्योंकि पुरानी हो चुकी है सामने, उसके नाम जो है ना वो सो टाइटल्स नहीं याद। वो जो जो शौकीन है और जो सर्च करना चाहते हैं, ये भी ट्रिब्यूट है उनको कि अगर आप भी दोबारा से मूवीज देखें, बाकी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और सायरा बानो जी जो है वो मतलब बाकी वो अपना पार्टनर चला जाए तो, और इतना मशहूर और इतना प्यार करने वाला, तो बड़ा मुश्किल होता है तन्हाई में उसके बगैर रहना। तो अब आप कौन सी मूवी के बारे में बता रहे हैं बताइए जरा, मैं भी लिखती जा रही हूँ कि देखते हैं। वो मूवी है राम और श्याम, हाँ आई डोंट राम रियली रिमेम्बर इट्स एग्जैक्ट स्टोरी, लेकिन ये बड़ी हिट मूवी थी इनकी, और इसका हाँ बहुत फेवरेट गाना है मोहम्मद रफी साहब का, मेरा जो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स है। बताएं बताएं सुना दे हमें जरा। ये आज की इसका मेरा लास्ट सॉन्ग है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, और ये थोड़ा सा लाइट मोड का, लाइट मतलब लाइट टोन का है, बेसिकली सैड टोन का है, तो ये मैं सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह रैप अप कर दीजिएगा। ये है गाना उस मूवी का, राम और श्याम का। हाँ सुनाओ प्लीज। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मसाना चला जाएगा, कल तेरी बज्म से दीवाना
चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तू मेरा साथ न दे रहा है मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा, कहकशां चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा, साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा, कल हाँ तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो आज की शाम दिल की सलामी जो है हमने पेश करी है दिलीप कुमार जी, यूसुफ खान साहब, जिनका ताल्लुक जो पैदा हुए थे पाकिस्तान के शहर पिशावर में और इस वक्त वो इंतकाल फरमा गए हैं हिंदुस्तान में, और उनके बहुत सारे फैन जो है वो बड़े अफसरदा थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल रहीम ने थोड़ा सा उनकी जो ये अफसरदा होने वाली सूरत हाल थी उसको थोड़ा सा सुकून पहुंचाया होगा दिलीप कुमार साहब के जो उनके ऊपर प्रेशराइज किए गए थे मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनाकर। महफिल आपने लूट ली है, बहुत अच्छा लगा इस वादे के साथ कि आप दोबारा आएंगे हमारे साथ और हमें जगजीत साहब का भी कुछ जो आपका टेस्ट है वो सुनाएंगे, दिखाएंगे, हमसे वादा करेंगे आपने आना है दोबारा अब्दुल रहीम साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगी वो जगजीत सिंह के थीम पे रख लेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग हाँ, और मैं चाहती लॉकडाउन हूँ कि है तो मैं, आते रहेंगे। हाँ लॉकडाउन है तो आते रहेंगे, फिर अब्दुल रहीम साहब ने जो जितना सोशल वर्क किया है वो किस तरह किया, क्या किया, लोगों से कैसे मदद करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। बात यही है कि जो जो फन होता है या फनकार होता है वो किसी हदूद या सरहद का जो है मोहताज नहीं होता, इसलिए हम सभी उनके जाने से गमगीन थे, लेकिन हमने कहा कि अपने अपने तौर पर हम सब लोग जो उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं पेश करें। छोटा सा एक प्रोग्राम था, यकीनन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं, आपकी फरमाइश हो तो हम अब्दुल रहीम साहब के खिदमत में भी पेश करेंगे। और आखिर में मैं यही करूंगी कि एक एक दूसरे को की मदद करें, और जो हमारे दरमियान जो आर्टिस्ट हैं जो फन से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म भी दें और उनकी मदद भी करें और उनकी सलाहियतों को सराहें भी, क्योंकि जब वो हमें से चले जाते हैं अगर हमने कोई कोताही की होती है तो हमें बहुत दुख होता है। तो करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं जरूर पढ़ती हूँ, करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, खिजा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मगर मिला दो खाक में हमको मगर ख्याल रहे कि हमसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। ऐसे लोगों को तलाश करें और कंट्रीब्यूट पेश करें। अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को और अब्दुल रहीम को इजाजत दें, खुदा हाफिज़।